और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इसमें सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया है। बता दें कि हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर सामने आई है। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में सेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी, 4 शीर्ष सैन्य अधिकारी समेत कई लोग सवार थे। ये सभी कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे और इसी दौरान ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर सामने आई है। और इस बीच लगातार इस खबर के सामने आने के बाद जिस तरह से बिपिन रावत के घर में लोगों का तांता लगा हुआ था, दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, लोगों की चिंताएं बढ़ रही थी और ये बात कही जा रही थी कि किसी तरह से कुछ ऐसा हो कि वो सही सलामत हो। और इस बीच राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, जो सदन में कल बयान देंगे, उनका भी ट्वीट सामने आया है। यशवर्धन सिंह इस वक्त हमारे साथ, यशवर्धन सिंह बिपिन रावत के इस वक्त साले हमारे साथ जुड़े हैं। यशवर्धन जी, बहुत दुख के साथ इस खबर को बताना पड़ रहा है। जी जी, बहुत दुख का विषय है ये और हम लोग के लिए भी है और हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए भी बहुत दुख का विषय है ये। एक बहुत बड़ा ग्रेट लॉस हुआ है हम सबको, मतलब परिवार को भी हुआ है, सेना को भी हुआ है, देश को भी हुआ है। और हम तो, हमारे पास वो शब्द ही नहीं है कि हम कुछ भी दो शब्द बोल पाए, इतना बड़ा लॉस हुआ है।